इस वक्त हम बेमिना इलाके के खुमैनी चौक में हैं और यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक एंटी इजराइल एंटी अमेरिका प्रोटेस्ट आज निकला है। शिया डोमिनेटेड एरिया है और आज आशंका थी कि जुम्मा नमाज के बाद जो है ऐसे प्रोटेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि आज ईरान के जो स्पिरिचुअल लीडर हैं उनका भी जो एक सरमन होगा, बहुत सालों के बाद वो सरमन दे रहे हैं और जो हालात इस वक्त बने हैं मिडिल ईस्ट में, जिस तरीके की टेंशन है और जिस तरीके से इजराइल लेबनान में जो है एक के बाद एक हमले कर रहा है और ग्राउंड इन्वेजन हो सकता है, उसी में ईरान ने भी जो है 200 के करीब जो मिसाइल दागे और उस जो पूरा एक टेंशन है इस वक्त मिडिल ईस्ट का, उसका असर जो है ये हमें कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है। ऐसे प्रोटेस्ट जैसे आप देख रहे हैं जगह जगह पे इस वक्त निकल रहे हैं और खासकर जो शिया डोमिनेटेड इलाके हैं कश्मीर के, वहां पे ऐसे प्रोटेस्ट देखे गए हैं। लोग जो हैं अमेरिका इसराइल के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, हिजबुल्ला के फेवर में नारे हैं, और आज ही नहीं जब हसन नसरुल्ला को जो है इसराइली रेड में जब वो मारा गया उसके फौरन बाद ही जो एक माहौल यहाँ बना, प्रोटेस्ट हुए और यहाँ के जो शिया डोमिनेटेड इलाके हैं वो लोग बाहर आ गए और बहुत बड़े बड़े जो है प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन है। प्रशासन की बात करें तो उन्होंने जो यहाँ एडिशनल डिप्लॉयमेंट जगह जगह रखी है सुरक्षा बलों की, और कोशिश ये है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू ना हो, लेकिन मेरे पीछे आप देख सकते हैं ऐसे प्रोटेस्ट बहुत जगह हैं। हालांकि शिया कम्युनिटी का माने तो ये कह रहे हैं कि कोई वायलेंस नहीं ये करना चाहते, पीसफुल प्रोटेस्ट हैं और हम इनसे बात करने भी कोशिश करेंगे। सर आप ये बताइए कि आप जो प्रोटेस्ट आज कर रहे हैं ये पीसफुल प्रोटेस्ट है, तो क्या मैसेज आप? हम मुल्क भर को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे जो जुलूस है अमनियत है और मजलूम के लिए है। जो इन्होंने आयतुल्लाह सईद नसरुल्लाह को शहीद किया तो इनको ये लग रहा है कि एक नसरुल्लाह खत्म नहीं, लाखों हजारों करोड़ों नसरुल्लाह घर घर में पैदा हुए हैं, क्योंकि जो हक पर है हम उनके साथ हैं और नसरुल्लाह सईद नसरुल्लाह हक पर शायद और भी बहुत जगह हो। जी जी, हमने यही कहा कि हर घर से एक नसरुल्लाह पैदा हो गए। हम पुरअमन एहतजाज यहाँ पर कर रहे हैं, हमारा नारा यह है कि हम मजलूमों की हिमायत में, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, किसी भी फिरके से ताल्लुक रख रहे हो, जो तालीमात हमारे रहबरों की है, जो तालीमात सईद अली नसरुल्लाह की है, हम उन्हीं तालीमात पे अमल करते हैं। जहाँ जहाँ पर भी मजलूम है हम उनकी हिमायत के लिए एहतजाज करते हैं, रहेंगे और कर रहे हैं। तो जैसे आपने सुना कि ऐसे प्रोटेस्ट जो हैं और भी कई जगह बाहर हैं इस वक्त और प्रोटेस्ट हो रहा है, नारेबाजी हो रही है और सीधा सीधा जो है सपोर्ट है यहाँ की, जो खासकर जो शिया डोमिनेटेड इलाके हैं जो लीडर हैं उन्होंने पहले दिन से ही इसमें हिजबुल्ला का सपोर्ट जो है खुलेआम किया है, ईरान के साथ हैं और आज ये सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि जो स्पिरिचुअल लीडर हैं क्या बात करेंगे और उसी के हिसाब से जो है अपनी आगे की रणनीति बनाएंगे। लेकिन प्रोटेस्ट जगह जगह जो है प्रदर्शन हो रहे हैं कश्मीर में भी, और आज जो पूरी तरह शिया कम्युनिटी खासकर बाहर है सड़कों पर और पूरा सपोर्ट दिखा रही है ईरान और हिजबुल्ला के लिए। यहाँ पर संत तारिक लोन के साथ मीर फरीद बेमिना आज तक।